हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर देख सकते हैं एक डेटा हमारे पास मौजूद है। अब इस डेटा को हम सिलेक्शन में ले लेते हैं और हमें यहां पर पाइवोट टेबल क्रिएट कराना है। तो पाइवोट टेबल कैसे क्रिएट करा सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट और एडिट पाइवोट टेबल। तो यहां पर क्लिक कर दीजिए आप, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके प्रेस करना है। और ओके प्रेस करने के बाद यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट है, इसको यहां पे लेके आते हैं रो फील्ड में, ठीक है। फिर इसी तरह से कंप्यूटर दिया हुआ है तो कंप्यूटर को भी रो फील्ड में लेके आ जाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश को रो फील्ड में लेके आ जाते हैं। फिर इसी तरह से मैथ्स को रो फील्ड में लेके आ जाते हैं, और फिर साइंस को भी रो फील्ड में लेके आ जाते हैं। और फिर अब टोटल बच गया, तो टोटल को हम डेटा फील्ड में लेके आ जाते हैं। और अब यहां से ओके प्रेस कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर इस तरह से कुछ ये पाइवोट टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप चाहे तो किसी और मेथड से भी इसको क्रिएट करा सकते हैं, बहुत इजी है और काम आपका काफी आसान हो जाता है। यहां पर देखिए ये फिल्टर अप्लाई हो गया है, और यहां पर टोटल का यहां पे देख सकते हैं, टोटल का भी टोटल कैलकुलेट होकर आ रहा है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। पाइवोट टेबल यूज करते हैं तो और भी बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, आगे के वीडियोस में हम ये भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो फिलहाल के लिए पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।